गड्ढा मुक्त दावा का पोल खोल रहा श्रावस्ती जनपद का ये मार्ग। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि विकास क्षेत्र सिरसिया के लक्ष्मणपुर से मथुरा मार्ग करीब 4 किलोमीटर गड्ढे में तब्दील होकर जगह जगह क्षतिग्रस्त होकर टूट गई है। इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से लक्ष्मणपुर सेमरी मार्ग भी क्षतिग्रस्त है। बता दें कि विकास क्षेत्र सिरसिया के लक्ष्मणपुर से मथुरा मार्ग पर लक्ष्मणपुर से सेमरी मार्ग पिछले 5 सालों से जर्जर है, जहाँ पर सड़क पर गिट्टियाँ उजड़ गई हैं और सड़क पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। इस मार्ग से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। इसी मार्ग पर लालपुर अयोध्या में स्थित शिवराजी जनता इंटर कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं प्रदेश सरकार की 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का दावा भी खोखला साबित हो रहा है। इन दिनों सड़कों पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी है और मैं इस गढ़ी ग्राम सभा का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि सरकार ने दावा किया था कि 15 नवंबर तक सारी रोडें जो होंगी वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी समस्त जिलों की, लेकिन आप हमारे पीछे ये रोड देख सकते हैं। हम लोगों का रोज़ आना जाना होता है, आए दिन इसी जगह पे एक्सीडेंट होता रहता है, लोग गिरते रहते हैं, हाथ पैर में चोट लगती है, गंभीर चोट लगती है। सरकार के टोटल दावे खोखले हो रहे हैं। सरकार के दावों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है यहाँ के लोकल अथॉरिटी द्वारा। हम लोग बहुत परेशान हैं, आप खुद देख सकते हैं इस रोड की हालत, और आगे भी आगे रोड है, आगे की रोड की भी हालत आप मुआयना कर सकते हैं। रोड की हालत बद से बदतर है। सरकार के दावे जितने भी किए गए हैं सब खोखले हैं, कोई किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। से मथुरा जाती है जो कि 5 किलोमीटर की है, लेकिन जाने में हम लोगों को कम से कम आधा घंटा लग जाता है। इस रोड पर हमेशा भय बना रहता है कि गाड़ी कहीं स्लिप ना कर जाए, कहीं गिर ना जाए। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों की बातों को सुनी जाए और इस रोड को शीघ्र मरम्मत नहीं पूर्ण रूप से नई बनवाई जाए, पूर्ण रूप से नई बनवाई जाए, क्योंकि मरम्मत के लायक ये रोड रही नहीं गई है, ये रोड नई बनाने के योग्य रह गई है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इस रोड को मरम्मत ना कराते हुए पूर्ण रूप से नई बनाने की कृपा। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सड़क लगभग 5 वर्ष पहले निर्माण कार्य किया गया था। अब ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये नहीं पता चलता है सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। मेरा नाम पंकज शुक्ला है, मैं निवासी लालपुर अयोध्या का हूँ और मैं जिस मार्ग पर खड़ा हूँ ये लक्ष्मणपुर से इकौना को जाती है और ये रास्ता इतना खराब हो चुका है जिसका कोई जवाब नहीं। और लक्ष्मणपुर से लालपुर अयोध्या के लिए जो है काफ़ी बच्चे आते हैं, 1000 या 1200 के करीब बच्चे हैं जो लालपुर अयोध्या में शिवराजी जनता इंटर कॉलेज बना हुआ है यहाँ पढ़ने आते हैं। अब वो बच्चे आए दिन किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं दुर्घटना के नाते, और ये रास्ता लगभग 12 किलोमीटर तो पूरा गड्ढे में तब्दील हो गया है, जो कि सेमरी चौराहा तक बहुत ही खराब है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 15 नवंबर तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन यहाँ की सड़कें का तो बहुत बुरा हाल है और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जितने हैं लग रहा है हमें वो सो रहे हैं, रोड के बारे में तनिक सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सड़क लगभग सैकड़ों गांवों को जोड़ती है, यही एक मार्ग है जो इकौना को जाता है और बाकी सारे मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। इधर भीमपुर से होकर जो ककरा को जाता है वो नदी पड़ जाती है, उस पर कोई जाता नहीं है, इसी पर सभी गांवों के लोग जाते हैं और ये रास्ता बहुत ही खराब है। भिनका का रोड बन रहा था, इस नाते इस पर जितने DCM हैं, बड़े वाहन हैं, सब इसी पर चलते थे और चल रहे हैं। इस नाते इस सड़क का जो है हालत बहुत दयनीय हो गया है। यह रोड लगभग 5 वर्ष पहले बनवाई गई थी जो कि अब बिल्कुल उजड़ गई है और गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, किसी का सर फूटना, किसी का पैर टूटना, किसी का हाथ टूटना। एक दिन तो एक्सीडेंट हुआ, बेचारे 2-3 आदमी इस पर मर भी गए। यहाँ का हाल बहुत खराब चल रहा है। मैं अमित मिश्रा,
लक्ष्मीपुर बाजार का निजी निवासी हूँ। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये मथुरा मार्ग है, लक्ष्मीपुर टू मथुरा मार्ग। ये रोड, इस सड़क की ये स्थिति है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जो 5 मिनट का रास्ता होना चाहिए वो हमें 1 घंटा लगता है उस सफ़र को करने में। 24 घंटे हमें भय रहता है, बच्चों को हम साधन देके नहीं भेज सकते हैं। बहुत बदतर हालत है यहाँ की, सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द करवाने की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।